हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्तुति वर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ सार ऑफ मॉर्फिन. सो दिस इज द मॉर्फिन, स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन. दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मॉर्फिन. इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑफ ओपियम, 24 एल्कलॉइड्स अकाउंटिंग फॉर 9 to 14% ऑफ ओपियम एक्सट्रैक्ट बाय मास. दैट्स Why it is termed as opium. Named after the Roman god of drink, Morpheus, the drug morphine numbs pain, alter mood, and induces sleep. It consists of 5 rings. 3 of are the approximately in the same plane. The other 2 rings, including the nitrogen one, are each of right angle to the other. This is the general structure of morphine. Morphine contain 5 rings, ring A, B, ring B, ring C, ring D, and ring E. This is the ring of morphine. Ring morphine contain 5 ring, ring A, ring B, ring C, ring D, and ring E. So now let us see the numbering in the morphine structure. Numbering the morphine structure, start from the aromatic ring A and end with the nitrogen. And start with the aromatic ring. So the C ring structure of morphine are: ring A is aromatic. This ring is aromatic ring, and the ring B is cyclohexene ring or alicyclic ring, and ring C is alcoholic ring. And ring D is the tetrahydrofuran ring. And E ring is piperidine ring. Then site of modification. Modification on alicyclic ring. Modification on aromatic ring. Modification on tertiary nitrogen. And then site of modification at position C3. In ring A, C6 in ring B, C, and 7 and 8 in ring C, 14 in ring B, and then piperidine ring in ring E. Then start with the ring A. Which is the phenolic group? And this is the phenolic group. This is the phenolic group. And six and eight, which is double bond, and ring and in 14 position. In 14th position ring, which is the nitrogen and piperidine. Now start with the ring A. So first point is free phenolic group, and OH group in position give optimum mu receptor affinity and decreases lipid partition coefficient, poor bioavailability. अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे रिंग ए में तो क्या होगा, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज करेगी और पार्टीशन कोफिशिएंट भी लिपिड का और बायोअवेलेबिलिटी भी पुअर हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओएच ग्रुप एरोमेटिक रिंग पे होना नेसेसरी है. अगर हम इसी सी थ्री पोजीशन का स्टरीफिकेशन करेंगे तो म्यू रिसेप्टर एफिनिटी भी डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस इंक्रीज इन टिश्यू एक्टिविटी एंड डिक्रीज एनाल्जेसिक एक्टिविटी, एग्जाम्पल कोडिन.
अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे किस पे, अगर C3 पोजीशन पे, तो क्या क्या चेंज होंगी? एन एरोमेटिक फिनाइल रिंग इज इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। फिनाइल रिंग जो है एक्टिविटी के लिए नेसेसरी है। मॉडिफिकेशन ऑन फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिक्रीजेस द एक्टिविटी। रिप्लेसमेंट ऑफ फिनोलिक हाइड्रोक्सिल इन टू OCS3 और OC2H5 विल मेक द मॉर्फिन लेस एनाल्जेसिक एट कप सप्रेशन विल ऑल्सो टेक्स प्लेस। एनी अदर सब्सटीट्यूशन ऑन फिनाइलिन डिमिनिशेस एक्टिविटी। अगर कोई भी सब्सटीट्यूशन करेंगे फिनोलिक ग्रुप में तो क्या होगा, एक्टिविटी डिक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं रिंग सी की। द एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C6 पर वेन मिथाइलेटेड और स्ट्रीफाइड और ऑक्सीडाइज्ड रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एनालिसिक एक्टिविटी एज वेल एज टॉक्सिसिटी ऑफ कंपाउंड इंक्रीज। रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल विद मिथॉक्सी ग्रुप मेक्स कंपाउंड 5 times मोर एक्टिव। यानी कि अगर हम इसको मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप लगाएंगे OH की जगह पे, तो क्या होगा, एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। देन रिंग सी पोजीशन पे, अगर C6 पोजीशन पे हम क्या लगाएंगे, C6 कीटो ग्रुप टू C6 बीटा हाइड्रोक्सिल इन ऑक्सीमॉर्फोन गिव्स नेलब्यूपिन इज सो एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ म्यू रिसेप्टर। द सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड एट C7 पोजीशन गिव्स मोर पोटेंट कंपाउंड। रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद इथॉक्सी ग्रुप मेक्स कंपाउंड 2.4 times मोर एक्टिव देन मॉर्फिन। देन रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल विद OCOCS3 विल ऑल्सो इंक्रीज एक्टिवेट द कंपाउंड बाई 4.2 times। रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल विद कीटोन ग्रुप इनएक्टिवेट द कंपाउंड टू मेक लेसर एक्टिव। देन द 14 बीटा हाइड्रोक्सी जनरली इन्हांस म्यू एगोनिस्टिक प्रॉपर्टीज एंड डिक्रीजेस एंटी टिश्यू एक्टिविटी। हाउएवर एक्टिविटी वेरीज विद द ओवरऑल सब्सटीट्यूशन ऑन द स्ट्रक्चर। ब्रिजिंग ऑफ C6 एंड C14 थ्रू इथाइलिन लिंकेज गिव पोटेंट डेरिवेटिव। रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल विद कीटोन ग्रुप इनएक्टिवेट द कंपाउंड एंड मेक्स द लेसर एक्टिव। देन रिएक्शन, देन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्सरी नाइट्रोजन। टर्सरी नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। द टर्सरी एमीन इज यूजली नेसेसरी फॉर गुड ओपियम ओपॉइड एक्टिविटी। द साइज ऑफ एन सब्स्टिट्यूशन कैन डिक्रीज देन डिक्टेट कैन डिक्टेट द कंपाउंड पोटेंसी एंड इट्स एगोनिस्ट एंड इट इज रिवर्स एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी। देन द एन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन इज हैविंग गुड एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी व्हेन इंक्रीज द साइज ऑफ द सब्स्टिट्यूशन बाय 3 to 5 कार्बन रिजल्ट इन एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। इज स्टिल लार्जर सब्स्टिट्यूशन ऑन एन रिटर्न्स एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ओपाइड। फॉर एग्जाम्पल एन फिनाइल इथाइल सब्स्टिट्यूशन इन 10 times मोर पोटेंट देन एन इथाइल ग्रुप। इन शॉर्ट, अगर हम नाइट्रोजन पे एन मिथाइल सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो गुड एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करेगा। अगर हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे 3 to 5 अगर करेंगे तो द इज सब्स्टिट्यूशन ऑन नाइट्रोजन और हैव डबल बॉन्ड और स्मॉल कार्बोक्सिल ग्रुप गिव्स एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। एंड एन एलाइल एंड एन साइक्लोएलाइल ग्रुप लीड्स टू नार्कोटिक एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी। देन
on the replacement of methyl group from the tertiary nitrogen by hydrogen atom, activity decreases. On the replacement of NCS3 by NCS2 phenyl, activity increases by 14 times. When the methyl group of the tertiary nitrogen replaced by methylyl and propyl, the compound so formed act as a morphine, act like the morphine antagonistic. When the methyl group of the tertiary nitrogen replaced by NCS3Cl compound have curate action and it is not possess any analgesic activity. Epoxide bridge की बात करें तो removal of 3-4 epoxide bridge in the morphine structure result in the compound that referred to as morphians, which is used as psychoactive drug. This is the summary of modification.